देखो बेटी, ये हमारा छोटा सा खेत है। पापा, इसकी शेप तो त्रिभुज के आकार की है। हाँ हाँ बेटी, ये त्रिभुज के आकार का ही है। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, यदि इस त्रिभुज के तीन बराबर भाग करने हो तो कैसे करोगे? पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो मैं अभी बताती हूँ। यदि मैं इस त्रिभुजाकार खेत की एक भुजा के तीन बराबर भाग कर दूं और इन भागों को शीर्ष भाग से कुछ इस प्रकार मिला दूं, तो पापा इस प्रकार बने तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। दीदी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे वाह सौम्या, तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज दौड़ता है, तुम्हारी दीदी तो तुमसे काफी पीछे रह गई। अरे दिव्या, तुम भी तो कुछ बोलो, तुम तो सोचती ही रह गई। ऐसी बात नहीं है पापा, सौम्या ने जो त्रिभुज को मजेदार तरीके से तीन बराबर भागों में बांटा है वो काबिले तारीफ है, लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं होता। किसी भी समतल आकृति के विभिन्न भाग करने के लिए सबसे पहले उसके क्षेत्रफल को ज्ञात करना होता है। वो कैसे करेंगी दीदी? देखो सौम्या, मैं आज तुम्हें समतल आकृतियों के बारे में और उनके क्षेत्रफल के बारे में बताऊंगी। अब फिर मेरी प्यारी सी बहना सौम्या, तुम तो हुई समझदार, लेकिन जरा ध्यान लगाकर सुनना। ये देखो, यहाँ पीपल के पेड़ की पत्ती बड़ी है या फिर नीम के पेड़ की पत्ती? दीदी, नीम की पत्ती का साइज छोटा है। हाँ, अब जरा इन पत्तियों की ओर देखो, बताओ तो जरा कौन सी पत्ती सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी? अच्छा छोड़ो, यही बता दो कौन सी पत्ती ने ज्यादा जगह घेर रखी है। दीदी, केवल देखकर बताना तो जरा मुश्किल है कि कौन सी पत्ती ने ज्यादा जगह घेर रखी है, क्योंकि जहाँ पहली पत्ती लंबाई में कम है और चौड़ाई में अधिक है, वहीं दूसरी पत्ती लंबाई में अधिक है और चौड़ाई में कम है। कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ देखो, अब हम एक वर्गाकार और एक आयताकार कागज लेते हैं। क्या अब तुम बता सकती हो कि इनमें से किसने ज्यादा जगह घेरी है? कैसे बताऊं दीदी, मुझे तो लगता है आयत ने ज्यादा जगह घेरी है। अरे परेशान मत हो, इस समस्या के समाधान का एक आसान सा तरीका बताती हूँ। ये लो कुछ समान आकार के कागज के छोटे छोटे टुकड़े, इन्हें तुम दोनों आकृतियों पर जमाना शुरू कर दो, लेकिन ध्यान रहे किन्हीं भी दो टुकड़ों के बीच में खाली जगह ना रहे और ना ही ये एक दूसरे पर चढ़े। दीदी, वर्ग तथा आयत दोनों में ही कागज के 16-16 टुकड़े जमाने पड़े हैं। तो सौम्या, इससे ये निष्कर्ष निकला कि दोनों आकृतियों ने बराबर बराबर जगह घेरी है। और हाँ, इस प्रकार किसी वस्तु द्वारा एक तल पर घेरे गए क्षेत्र या जगह को उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। तो फिर सौम्या, अब जरा बताओ तो सही, हमने जो क्रियाकलाप किया है उससे क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष? दीदी, क्या इस प्रकार प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें उसे
कवर करके देखना पड़ेगा। अरे नहीं भाई नहीं, इससे तो ये निष्कर्ष निकलता है कि समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए हम उन्हें एक ही माप की छोटी इकाइयों से भर देते हैं। जिस आकृति के अंदर ज्यादा इकाइयां भरी होंगी उसी का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो क्या दीदी, किसी जगह को भरने के लिए हम किसी भी आकार की छोटी इकाइयां ले सकते हैं? हाँ, परंतु आम तौर पर हम वर्गाकार छोटी इकाइयां लेते हैं। ये वर्ग क्षेत्रफल नापने की इकाई बन जाते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि दी गई पत्तियों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है या फिर किसका क्षेत्रफल कम? चलो मैं ही बताती हूँ। देखो, इसके लिए हम एक ऐसा कागज लेते हैं जिसमें छोटे छोटे बराबर वर्ग बने हों, जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर माप की हो। अब इस कागज के ऊपर पत्ती को कुछ इस प्रकार रखते हैं। पत्ती की आकृति को पेंसिल से कागज पर बना लेते हैं, ठीक इस तरह। हाँ सौम्या, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन वर्गों को किस प्रकार गिना जाए। जानती हो सौम्या, इस आकृति के अंदर कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो आधे से कम हैं, तो उन्हें हम नहीं गिनेंगे। आधे या आधे से अधिक घिरे वर्ग को पूरा मानकर हम गिनती में जोड़ लेंगे। तो अब तुम बताओ कि इस आकृति में पूरे, आधे या फिर आधे से अधिक कितने वर्ग आ रहे हैं? दीदी, इस पत्ती में कुल मिलाकर 8 वर्ग आ रहे हैं तथा इस पत्ती में कुल 5 वर्ग आ रहे हैं। शाबाश। तो सौम्या, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पहली पत्ती दूसरी पत्ती से ज्यादा जगह घेरती है। और हाँ सौम्या, एक बात और, ज्यादा जगह घेरने वाली आकृति का पता लगाने के लिए हमने जिस कागज का सहारा लिया उसमें बने वर्ग का माप 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्षेत्रफल मापने के लिए हम इसी मानक माप यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर को लेते हैं। कुछ समझी? हाँ दीदी, समझ गई। कोई भी आकृति किसी तल पर जितने स्थान को घेरती है उस स्थान के माप को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं, और क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में मापते हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक। दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि समतल पर बनी एक सरल बंद आकृति यानी सिंपल क्लोज्ड फिगर द्वारा तल का घेरा हुआ भाग उस आकृति का संगत तलीय क्षेत्र यानी प्लेनर रीजन कहलाता है। उस तलीय क्षेत्र का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड या माप यानी मेजर उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। इस परिमाण या माप को सदैव एक ही संख्या की सहायता से व्यक्त किया जाता है, जैसे 5 सेंटीमीटर का वर्ग, 8 सेंटीमीटर का वर्ग आदि। परंतु किसी मात्रक में किसी आकृति का क्षेत्रफल एक संख्या है जो उस आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग से जुड़ी होती है। तो दीदी, यदि इस त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल हमें पता हो तो हम आसानी से इसके 3 भाग कर सकते हैं, और वो वाकई में बराबर क्षेत्रफल वाले 3 भाग होंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो। किसी भी समतल आकृति के विभिन्न भाग करने के लिए हमें सर्वप्रथम उसका क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए, तभी हम उसके निश्चित क्षेत्रफल वाले विभिन्न भाग कर सकते हैं। अच्छा ये तो बताओ जरा, सर्वांग सम आकृतियों के बारे में
तुम कितना जानती हो? सर्वांग समाकृतियाँ। दीदी, कोई भी दो आकृतियाँ सर्वांगसम कही जाती हैं, यदि उनके आकार और माप समान हो और एक को दूसरे के ऊपर रखने पर वे एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें। दीदी, यदि दो आकृतियाँ ए और बी सर्वांगसम हो तो हम एक ट्रेसिंग पेपर यानी अक्ष कागज का प्रयोग करके एक आकृति को दूसरी आकृति पर इस प्रकार रख सकते हैं कि वे आकृतियाँ एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें। बिल्कुल सही सौम्या। यदि दो आकृतियाँ ए और बी सर्वांगसम हो तो उनके क्षेत्रफल अवश्य ही बराबर होने चाहिए, क्यों है ना? ऐसी स्थिति में तो क्षेत्रफल हमेशा समान ही होगा ना दीदी, क्योंकि दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रही हैं। परंतु दीदी, क्या इसका विलोम भी सत्य होगा? यानी यदि दो आकृतियों के क्षेत्रफल समान हो तो क्या वो आकृतियाँ सर्वांगसम होंगी? अच्छा, ये तो बताओ जरा, सर्वांगसम आकृतियों के बारे में तुम कितना जानती हो? आज तो तुम काफी इंटेलिजेंट प्रश्न पूछ रही हो। चलो मैं बताती हूँ। दो आकृतियों के क्षेत्रफल समान होने की स्थिति में ये आवश्यक नहीं है कि वो आकृतियाँ सर्वांगसम ही होंगी। यानी सर्वांगसम हो भी सकती हैं और नहीं भी। यहाँ देखो, बराबर क्षेत्रफलों वाली दो आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। जैसे इस आयत का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है और इस वर्ग का क्षेत्रफल भी 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो फिर आयत ए बी सी डी और वर्ग ई एफ जी एच के क्षेत्रफल तो बराबर हैं, परंतु ये सर्वांगसम आकृतियां नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढक रही हैं। अब जरा इस आकृति को देखो। इस आकृति में टी दो समतल आकृतियों पी और क्यू द्वारा निर्मित दो तलीय क्षेत्रों से मिलकर बनी है। यहां तुम ध्यान से देखो, आकृति टी का क्षेत्रफल बराबर है आकृति पी का क्षेत्रफल जमा आकृति क्यू का क्षेत्रफल। तुम आकृति पी के क्षेत्रफल को एरिया पी, आकृति क्यू के क्षेत्रफल को एरिया क्यू, आकृति टी के क्षेत्रफल को एरिया टी इत्यादि से व्यक्त कर सकती हो। समझ गई ना? हाँ दीदी, मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ जो आपने मुझे अभी तक समझाया है। किसी आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग से संबद्ध दो गुणों के साथ एक संख्या है। यदि ए और बी दो सर्वांगसम आकृतियां हैं तो ए का एरिया बराबर है बी के एरिया के, तथा यदि एक आकृति टी द्वारा निर्मित क्षेत्र दो आकृतियों पी और क्यू द्वारा निर्मित नॉन ओवरलैपिंग तलीय क्षेत्रों से मिलकर बना है तो टी का एरिया बराबर है पी का एरिया जमा क्यू का एरिया। अरे भाई सौम्या, लगता है तुम तो गणित में अपने विद्यालय का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखोगी। तुम तो एक एक बात कितने ध्यान से सुन रही हो, बहुत अच्छे। थैंक यू दीदी। दीदी, आप समझाती ही इतने बढ़िया तरीके से हो कि मुझे सब कुछ ठीक प्रकार से क्लियर हो जाता है। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर चलो आज मैं तुम्हें ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफलों के बीच संबंधों के बारे में बताती हूँ।
जबकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच ये आकृतियाँ स्थित हों। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ, यहाँ समलंब ए बी सी डी और समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी में एक भुजा डी सी उभयनिष्ठ है। हम कहते हैं कि समलंब ए बी सी डी और समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी एक ही आधार यानी सेम बेस डी सी पर स्थित हैं, और इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और एम एन आर एस एक ही आधार यानी सेम बेस एस आर पर स्थित हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर स्थित हैं, तथा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और त्रिभुज पी डी सी एक ही आधार पर स्थित हैं। अब जरा इन आकृतियों को देखो। इन आकृतियों में समलंब ए बी सी डी और समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी एक ही आधार डी सी पर स्थित हैं। यहाँ पर भी दीदी, डी सी के समांतर रेखा ए एफ पर ही समलंब चतुर्भुज के शीर्ष ए बी तथा समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ई एफ स्थित हैं। यानी ये समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी तथा समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी एक ही आधार डी सी तथा समांतर रेखाओं ए एफ और सी डी के बीच स्थित हैं, और इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और एम एन आर एस एक ही आधार एस आर तथा एक ही समांतर रेखाओं पी एन और एस आर के बीच स्थित है, जिसमें पी क्यू आर एस के शीर्ष पी और क्यू तथा एम एन आर एस के शीर्ष एम और एन आधार एस आर के समांतर रेखा पी एन पर स्थित है। और यहाँ पर दीदी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी और एक ही समांतर रेखाओं ए डी और बी सी के बीच स्थित हैं, तथा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और त्रिभुज पी सी डी भी एक ही आधार डी सी और एक ही समांतर रेखाओं ए पी और डी सी के बीच स्थित है। हाँ सौम्या, लगता है तुम्हें कुछ कुछ तो समझ में आ ही गया है। और फिर अब तो तुम अच्छे से समझ भी चुकी हो कि दो आकृतियाँ एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कब कही जाती है। हाँ दीदी, दो आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कही जाती है यदि उनका एक उभयनिष्ठ आधार हो, तथा उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष उस आधार के समांतर किसी रेखा पर स्थित हो। एकदम सही, बहुत अच्छे। जब तुम्हें इतना कुछ समझ में आ ही गया है तो फिर चलो अब मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले लेती हूँ। जरा बताओ तो सही, इन आकृतियों में कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। दीदी, इस आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज डी क्यू आर एक ही समांतर रेखाओं एल और क्यू आर के बीच स्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज डी क्यू आर का शीर्ष डी
समांतर रेखा L पर स्थित नहीं है। और दीदी, इस आकृति में भी ऐसा ही है। समांतर चतुर्भुज EFGH और MNGH एक ही समांतर रेखाओं EF और HG के बीच स्थित नहीं है, तथा इस आकृति में भी समांतर चतुर्भुज ABCD और EFCD एक ही समांतर रेखाओं AB और CD के बीच स्थित नहीं है। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि दोनों समांतर रेखाओं में से एक उभयनिष्ठ आधार को अंतर्विष्ट करने वाली रेखा होनी चाहिए, यानी वही सेम आधार दोनों में कॉमन होना चाहिए। जी दीदी, जैसे इस आकृति में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीई उभयनिष्ठ आधार पर स्थित नहीं है, और इस आकृति में त्रिभुज एबीसी और समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक ही आधार पर स्थित नहीं है। बहुत बढ़िया। अरे सौम्या, अब तो तुम एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो आकृतियों को पहचानने में एकदम परफेक्ट हो गई हो। चलो अब मैं तुम्हें एक नया तथ्य समझाती हूँ, और वो है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफलों के मध्य संबंध। अच्छा, ये कौन सा संबंध है मेरी इंटेलिजेंट दीदी? ओ मेरी प्यारी सौम्या, अरे तुम भी तो कुछ कम नहीं हो। ये देखो, सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर पर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। दीदी, ये दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार डीसी और एक ही समांतर रेखाओं पीबी और डीसी के बीच स्थित हैं। मैंने तुम्हें समझाया था कि वर्गों को गिनकर किस प्रकार क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, तुम्हें याद नहीं है? दीदी, मुझे याद है, दी हुई आकृति द्वारा घेरे गए पूर्ण वर्गों की संख्या और उन वर्गों की संख्या जिसका आधे से अधिक भाग इस आकृति से घिरा हुआ है, तथा इसके साथ साथ उन वर्गों की संख्या जिनका आधा भाग इस आकृति से घिरा हुआ है, इन सबको गिनकर इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। एकदम ठीक कहा तुमने। वर्गों को काउंट करते समय हम उन वर्गों को छोड़ देते हैं जिनका आधे से कम भाग इस आकृति से घिरा हुआ है। तो फिर सौम्या, ध्यान से गिनने पर हम पाते हैं कि इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल लगभग बराबर है। तो फिर अब बताओ तो इस क्रियाकलाप का क्या निष्कर्ष निकलता है? आप ही बता दो ना प्लीज। ठीक है, मैं ही बताती हूँ। इस क्रियाकलाप का यही निष्कर्ष निकलता है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, परंतु ये केवल सत्यापन है। तो क्या दीदी, ये सिद्ध नहीं कर सकते कि ये दोनों समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं? अरे सिद्ध क्यों नहीं कर सकते? चलो मैं और तुम दोनों मिलकर सिद्ध करते हैं। हम सिद्ध करते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्यों, ठीक है ना? और फिर यहाँ हमें दिया है दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ई एफ सी डी, जो एक ही आधार डी सी
और एक ही समांतर रेखाओं AF और DC के बीच स्थित हैं। सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है समांतर चतुर्भुज EFCD के क्षेत्रफल के। इन दोनों आकृतियों को ध्यान से देखो। यहाँ दो त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF बन रहे हैं तथा इन दोनों आकृतियों में चतुर्भुज DCBE उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि हम सिद्ध कर दें कि इन दोनों त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल बराबर है तो ये एकदम सिद्ध हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है समांतर चतुर्भुज EFCD के क्षेत्रफल के। तो फिर सौम्या अब तैयार हो जाओ। त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करने के लिए। उपपत्ति। त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF में AD समांतर है BC के तथा तिर्यक रेखा AF इन्हें काटती है, इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। अतः कोण DAE बराबर है कोण CBF के। ED समांतर है FC के तथा तिर्यक रेखा AF इन्हें काटती है, इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। अतः कोण AED बराबर है कोण BFC के। अब ये तो तुम जानती ही हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ADE के दो कोण क्रमशः त्रिभुज BCF के दो कोणों के बराबर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ सौम्या? इसका अर्थ यही हुआ ना दीदी कि इन दोनों त्रिभुजों का तीसरा कोण भी परस्पर बराबर होगा। वेरी गुड। तो त्रिभुज के कोण योग गुण से कोण ADE बराबर है कोण BCF के। और तुम समांतर चतुर्भुज के गुण तो जानती ही हो। हाँ दीदी, मुझे मालूम है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समान तथा समांतर होती हैं। बिल्कुल ठीक। तो इन दोनों त्रिभुजों में AD बराबर BC के। तो फिर कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज ADE सर्वांग सम होगा त्रिभुज BCF के। और क्योंकि सर्वांग सम आकृति के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BCF के क्षेत्रफल के। अब तुम ये तो जानती ही हो कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जमा चतुर्भुज EDCB के क्षेत्रफल के। तो अब समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BCF के क्षेत्रफल जमा चतुर्भुज EDCB के क्षेत्रफल के। और इस प्रकार समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हुआ समांतर चतुर्भुज EFCD के क्षेत्रफल के। तो दीदी, इस प्रकार समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हुआ
समांतर चतुर्भुज EFCD के क्षेत्रफल के, है ना दीदी? हाँ, चलो इस प्रमेय का उपयोग दिखाने के लिए कुछ उदाहरण हल करके अभ्यास करते हैं, क्यों, ठीक रहेगा ना? ये देखो, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EFCD एक आयत है और साथ ही AL लंब DC है। सिद्ध कीजिए कि ABCD का क्षेत्रफल बराबर EFCD का क्षेत्रफल तथा ABCD का क्षेत्रफल बराबर DC गुणा AL। अब ये तो तुम जानती ही हो कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। मुझे याद है दीदी, मैंने समांतर चतुर्भुज, आयत तथा इसी प्रकार के विभिन्न चतुर्भुजों के गुणों के बारे में चतुर्भुज अध्याय में पढ़ा था कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तथा बराबर होते हैं। अरे वाह सौम्या, बहुत अच्छे भाई, तुमने तो मन खुश कर दिया, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। तो इस तरह आयत EFCD का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा और हमें यहाँ ये भी सिद्ध करना है कि ABCD का क्षेत्रफल बराबर है DC गुणा AL के। देखो यहाँ ABCD का क्षेत्रफल आयत EFCD के क्षेत्रफल के बराबर है, क्यों, ठीक है ना? अब जरा तुम ये बताओ, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? दीदी, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अरे भाई बहुत अच्छे, अब क्योंकि ABCD का क्षेत्रफल आयत EFCD के क्षेत्रफल के बराबर है, इसलिए ABCD का क्षेत्रफल भी बराबर होगा DC गुणा FC के। अब क्योंकि AL लंब है DC के, इसलिए AFCL भी एक आयत है और ये तो तुम जानती ही हो कि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए AL बराबर है FC के। अतः ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा DC गुणा AL के। जानती हो सौम्या, हमें यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण प्राप्त होता है और ये गुण तुम सदा याद रखना, और वो है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा और संगत शीर्ष लंब का गुणनफल होता है। याद आया दीदी, समांतर चतुर्भुज का ये गुण तो मैंने 7वीं कक्षा में भी पढ़ा था। हाँ सौम्या, वाकई तुम मन लगाकर पढ़ रही हो, तभी तो तुम्हें सारे तथ्य बहुत अच्छे से याद रहते हैं। अच्छा, तुमने और मैंने मिलकर अभी ये प्रमेय तो सिद्ध की कि एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करके तुम उसका अभ्यास करो और अभ्यास के लिए हम और तुम मिलकर एक और उदाहरण हल करते हैं, क्यों, ठीक रहेगा ना? तो फिर चलो, यदि त्रिभुज
और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। त्रिभुज एबीपी और समांतर चतुर्भुज एबीसीडी को जरा ध्यान से देखो। दीदी, त्रिभुज एबीपी और समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक ही आधार एबी और एक ही समांतर रेखाओं एबी और पीसी के बीच स्थित है। और सौम्या, हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है? यहाँ हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा है। तो त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले एक रचना करते हैं और BQ समांतर AP खींचते हैं, कुछ इस तरह। और अब समांतर चतुर्भुज ABQP और ABCD एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और PC के बीच स्थित है। यानी समांतर चतुर्भुज ABQP का क्षेत्रफल बराबर होगा समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के। शाबाश। एक बात और सौम्या, ये तो तुमने समांतर चतुर्भुज के गुणों में अच्छे से पढ़ा है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। इसलिए यहाँ त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बीक्यूपी के क्षेत्रफल के। बताओ तो क्यों? क्योंकि दीदी, दो सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल समान होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसी प्रकार त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज एबीक्यूपी के क्षेत्रफल का आधा होगा और इससे प्राप्त होता है कि त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा होगा। बताओ क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज एबीक्यूपी का क्षेत्रफल बराबर है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल के। अरे वाह दीदी, ये तो फटाफट से सिद्ध हो गया। दीदी, अब हम क्या करने वाले हैं? देखो सौम्या, अभी तक मैंने तुम्हें एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित चतुर्भुज के बारे में बताया है, और अब मैं तुम्हें एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के बारे में बताती हूँ। यहाँ इस आकृति में जरा ध्यान से देखो, तुम्हें एक ही आधार बीसी और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? दीदी, इसमें दो त्रिभुज एबीसी और पीबीसी दिख रहे हैं और दोनों का एक आधार बीसी है। और हाँ दीदी, ये दोनों त्रिभुज भी एक ही समांतर रेखाओं बीसी और एपी के बीच स्थित हैं। आओ तो फिर देखते हैं, क्या इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर है? दीदी मैं बताती हूँ। यदि आलेख कागज पर कुछ इस प्रकार एक ही आधार आर एस तथा एक ही समांतर रेखाओं आर एस तथा क्यू पी के बीच स्थित त्रिभुज बनाएंगे तथा इन दोनों त्रिभुजों के वर्गों को गिने तो, अरे वाह दीदी, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल तो लगभग बराबर है। दीदी,
दोबारा इसी प्रकार का क्रियाकलाप करने पर भी मुझे त्रिभुजों के क्षेत्रफल लगभग बराबर ही मिले। वेरी गुड। तो फिर निष्कर्ष यही निकला कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज भी क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। और हाँ सौम्या, ये क्रियाकलाप तुम आलेख कागज की बजाय जियो बोर्ड पर भी कर सकती हो। आओ चलो अब हम इसी प्रमेय को सिद्ध करके देखते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यहाँ हमें एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं BC तथा AP के बीच स्थित दो त्रिभुज ABC और PBC दिए गए हैं और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PBC के क्षेत्रफल के। तो इसके लिए सबसे पहले हम CD समांतर BA और CR समांतर BP इस प्रकार खींचते हैं कि D और R रेखा AP पर स्थित हों। और हाँ सौम्या, देखो हमें दो समांतर चतुर्भुज PBCR और ABCD मिल रहे हैं जो एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं BC और AR के बीच स्थित हैं। दीदी, तो इन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है, इसलिए यहाँ विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है और विकर्ण BC समांतर चतुर्भुज PBCR को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। और ये तुम्हें मालूम है कि सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDA के क्षेत्रफल के और त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CRP के क्षेत्रफल के। तो इस प्रकार ABC का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा और त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल PBCR के क्षेत्रफल का आधा होगा। और क्योंकि समीकरण एक से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है चतुर्भुज PBCR के क्षेत्रफल के, इसलिए निष्कर्ष निकला कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज PBC के क्षेत्रफल के। अतः ये प्रमेय सिद्ध हुई कि एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। और हाँ सौम्या, अब साथ ही साथ ये भी याद रखना कि इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, यानी एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। चलो हम और तुम मिलकर इन परिणामों को दर्शाने के लिए कुछ उदाहरण हल कर पहला उदाहरण लेते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यहाँ पर हमें
त्रिभुज एबीसी दिया गया है और एडी उसकी एक माध्यिका है। माध्यिका के बारे में तो जानती हो ना तुम सौम्या? हाँ दीदी, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। बिल्कुल ठीक। और यहाँ हमें दर्शाना है कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एसीडी के क्षेत्रफल के। तो इसके लिए हम AN लंब BC खींचते हैं। और ये तो तुम्हें मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब। इसलिए त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा आधार बीडी गुणा शीर्ष लंब AN के। बीडी बराबर है डीसी के। क्यों सौम्या, बराबर होगा ना? हाँ दीदी, क्योंकि एडी माध्यिका है और माध्यिका सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल ठीक। तो फिर त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा सीडी गुणा एएन। यहाँ पर ध्यान दो सौम्या, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? वो दीदी होगा 1/2 गुणा आधार सीडी गुणा शीर्ष लंब एएन। एकदम सही। तो निष्कर्ष निकलता है कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एसीडी के क्षेत्रफल के। और यही हमें दर्शाना था। चलो अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। एबीसीडी एक चतुर्भुज है और बीई समांतर एसी इस प्रकार है कि बीई बढ़ाई गई डीसी को ई पर मिलती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल के बराबर है। दीदी, इस आकृति में त्रिभुज बीएसी और त्रिभुज ईएसी एक ही आधार एसी और एक ही समांतर रेखाओं एसी और बीई के बीच स्थित हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। वेरी गुड। इसीलिए त्रिभुज बीएसी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ईएसी के क्षेत्रफल के। और अब यदि एक ही क्षेत्रफल को मैं बाएं और दाएं पक्ष में जोड़ दूं, तो भी दोनों पक्षों का मान बराबर ही रहेगा। तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल जोड़ने पर यानी त्रिभुज बीएसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी में जोड़ने पर हमें मिलता है चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ईएसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल में जोड़ने पर हमें मिलता है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। तो दीदी, इस प्रकार एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल के। अरे वाह, ये सब उदाहरण तो काफी आसान थे दीदी। इसका मतलब है तुम्हें काफी कुछ समझ आ गया। देखो भाई, अब तो समय आ गया है तुम्हारे फाइनल टेस्ट का। पापा ने तुमसे जब त्रिभुज के 3 बराबर क्षेत्रफल वाले भाग करने को कहा था, तो तुमने अंदाजे से ही त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों वाले भागों में बांटा था। अब क्या ये तुम सिद्ध करके बता सकती हो कि वाकई में तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है या फिर नहीं? ओ दीदी, कोशिश करके देखती हूँ। इस त्रिभुज में सबसे पहले तो किसी भी एक भुजा के 3 बराबर भाग करते हैं तथा इन्हें
शीर्ष भागों से मिलाते हैं। तो अब इस त्रिभुज में BD बराबर है DE के और DE बराबर है EC के। अब मैं आधार BC पर एक क्यू लंब डालती हूँ, तो इस प्रकार दीदी त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुना आधार BD गुणा शीर्ष लंब AQ के। और दीदी त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार EC गुणा शीर्ष लंब AQ के। और इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार DE गुणा शीर्ष लंब AQ के। और दीदी क्योंकि रचना से BD बराबर है DE बराबर है EC के, अतः त्रिभुजों ABD, AEC और ADE के क्षेत्रफल बराबर होंगे। अरे वाह दीदी, मजा आ गया। ये तो सिद्ध हो गया कि तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल परस्पर बराबर हैं। एक्सेलेंट सौम्या, यहाँ पर मैं तुम्हें इस समस्या के समाधान का एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ। देखो, तुम तो जानती ही हो कि एक बाह्य बिंदु से किसी भी रेखा पर एक और केवल एक लंब खींचा जा सकता है। इसलिए यहाँ त्रिभुज ABC में शीर्ष A से आधार BC पर एक और केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है। इस त्रिभुज में जो तीन त्रिभुज बन रहे हैं, रचना से उनके आधार तो परस्पर समान है तथा साथ ही शीर्ष लंब की ऊंचाई भी समान हुई, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी परस्पर बराबर होंगे। परंतु तुम किसी भी तरीके को अपना सकती हो। तुम समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के विभिन्न गुणों को अब परफेक्टली समझ गई हो। बस अब मैं निश्चिंत हुई। अब तुम इससे संबंधित और प्रश्नों का अभ्यास करो। मैं तो चली, बाय।